आज नाश्ते में चलिए इडली बनाते हैं। इसके लिए चावल लेंगे, ये घर का चावल, घर के चावल से बना रहे इडली। आप बाहर से इडली का चावल आता है उसे बना सकते हैं। इसी कप से 3 कप इडली का चावल लेंगे। रोज घर में जो खाने वाला बनता है ये वही चावल है। और इसी से 1 कप थोड़ा सा कम उड़द की दाल लेंगे। ये उड़द की दाल खड़ी खड़ा हुआ है, ये देखिए खड़ा हुआ, धुला हुआ, धुली हुई दाल बोलते हैं इसको। आप दाल की तरह जो रहता है उसको भी ले सकते हैं। इसको पानी से अच्छे से धुल के फुलो देंगे, थोड़ा पानी डाल के उसमें रात भर के लिए। ये देखिए फूल गया है, थोड़ा सा तोड़ के देखेंगे, ये देखिए टूट रहा है। अभी इसको अच्छे से पानी से धुल लेंगे और मिक्सर जार में डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें। और फिर इसको बारीक एकदम पीस लेंगे मिक्सर जार में, को बस चलाएंगे एकदम बारीक। ये पिस गया है, इसको चलिए दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये देखिए दूसरे बर्तन में डाल दी मैं, ये देखिए एकदम बारीक ऐसे कर चेक करेंगे, ऐसे करेंगे तो हल्का हल्का दाएँदार जैसा दिखेगा। अभी इसको ढक्कन से ढक देते हैं रात भर के लिए। रात भर ऐसे गर्म जगह पर छोड़ देंगे किसी, ताकि ये खूब अच्छे से फूल जाए सुबह तक। जब अच्छे से फूलेगा तो इडली अच्छी बनेगी। ये देखिए अभी सुबह चेक कर रहे हैं इसके, सुबह सुबह चेक कर रहे हैं हम इसको। ये देखिए खूब अच्छे से फूला हुआ, एक चमचे से दिखाती हूँ अभी आपको, ये पूरा फूल गया है देखिए करके। देखिए इतना अच्छे फूल, अच्छे से फूला हुआ है। इसको थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा चमचे से अच्छे से मिला देंगे चारों तरफ, अच्छे से घुमा देंगे चमचा। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा आधा चम्मच के बराबर, और थोड़ा सा चीनी, पिसी हुई चीनी है ये ऑप्शनल है, आपका मन करे डालिएगा, नहीं मन करे न डालिएगा। ये भी डालकर मिला देंगे इसको अच्छे से, बहुत ज़्यादा नहीं घुमा, लेकिन खाली ये मिल जाए जो चीनी नमक डाले हैं बस। ज़्यादा अगर मिलाएंगे इसको तो ये फूला फूला है ना, तो इडली बाद में सॉफ्ट नहीं बनेगा, फूली फूली हुई। थोड़ा सा ऐसे ही मिला दे ताकि अच्छे से मिल जाए, कहीं भी गुठली जैसा हो या कुछ भी हो तो ऐसा ना दिखे। हल्के हाथ से मिला देंगे, जो खाली झाग जैसा दिखता है वैसा ना दिखे, मिल जाए आपस में अच्छे से। ढक के इसको एक तरफ रख देंगे। अभी स्टीमर है इसमें स्टीमर हाँ, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसको चूल्हे पर रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए स्टैंड रख के। इसके ऊपर वाला ढक्कन आप मन कर लगाइए, ना मन कर ना लगाइएगा। मैं लगा दी हूँ, सिर्फ 2-3 मिनट के लिए गर्म होंगे, तब तक उसके अंदर वाले उसमें इडली वाले बर्तन में तेल लगा देंगे ऊपर, थोड़ा सा चारों तरफ लगा देंगे ताकि बनाते समय इडली चिपके ना। अभी लगा दी, चलो अब थोड़ा थोड़ा करके इडली वाला घोल इसमें डाल देंगे। एक बार में 1 चम्मच से 2 चम्मच जितना डाल सके, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना, नहीं तो ये एकदम ऊपर आ जाएगा बनने के बाद। ऐसे ही सब में दोनों में डाल देंगे। देखिए इसमें भी डाल दे रहे हैं। अभी डाल दिए, अभी लगा देते हैं इसको इसमें। लगा दिए, अभी वो 2-3 मिनट हो गए, अभी इसमें डाल दे रहे हैं। इसमें डालकर ऊपर से ढक्कन इसको लगा देंगे मुश्किल से 8 से 10 मिनट तक। पहले आँच तेज रखिएगा 2-3 मिनट तक, फिर स्लो कर दीजिएगा। ये देखिए हो गया है, ढक्कन खोल दी इसको। अभी गैस चूल्हे से नीचे उतार लेती हूँ और इसको इडली को अभी 1 चम्मच लेंगे, चम्मच के उल्टे साइड से इसको निकालेंगे। ये आराम से निकल जाएगा उल्टे साइड से, ये देखिए।
ये देखिए निकाल लिए हैं, ऐसे करके सारा निकाल लेते हैं। फिर आपको दिखाते हैं आगे। ये देखिए सारा निकाल लिए, ऐसे सांभर या नारियल चटनी के साथ परोसिए, बहुत अच्छा लगेगा। रेसिपी पसंद आए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।